दोस्तों, विशेष के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज बात मधेपुरा लोकसभा सीट की। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ महीने का वक्त बचा हो, लेकिन बिहार में अभी से ही लोकसभा चुनाव के लिए राजनेता अपनी अपनी सीटों की दावेदारी पेश कर रहे हैं। वैसे बिहार में राजनीतिक समीकरण से ज्यादा जातीय समीकरण हावी रहा है। इसे लेकर राजनीतिक दल और राजनेता अपने अपने जातिगत समीकरण के हिसाब से अगड़े पिछड़े की राजनीति करते आए हैं और अपने वर्चस्व के लिए अपनी जाति के जहां सबसे ज्यादा वोटर हैं उसी जगह से अपनी दावेदारी पेश करते हैं। देश में जब जब लोकसभा का चुनाव आता है तब तब मधेपुरा लोकसभा सीट की चर्चा जरूर होती है, क्योंकि यह सीट यादवों का गढ़ माना जाता है। इस लोकसभा सीट से लगातार 1967 से लेकर अब तक हुए 15 चुनावों को देखा जाए तो हर बार यादव समाज से आने वाले नेता की जीत हुई है। इससे अनायास ही यह मुहावरा याद आता है कि रोम में पोप का, मधेपुरा में गोप का। इसका अर्थ है कि जिस तरह रोम में पोप की चलती है, मधेपुरा में गोप यानी यादव समाज की पुती बोलती है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर फिर एक बार यह मुहावरा गुंजने लगा है। इस सीट की एक और खास बात यह है कि यहाँ कभी भी किसी की लहर का असर नहीं पड़ता। 1952 के पहले चुनाव में पूरे देश में जब पंडित नेहरू का बोलबाला था तो यहाँ से सोशलिस्ट पार्टी के किराए मुसहर ने जीत दर्ज की थी। इसी तरह से 2014 में जब पूरे देश में मोदी की लहर चली तो यहाँ से पप्पू यादव जीते थे। बता दें कि 1952 में ये क्षेत्र भागलपुर और पूर्णिया संसदीय क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव इस सीट से दो बार दिल्ली पहुंच चुके हैं, जबकि एक बार 1999 में शरद यादव के सामने हार का सामना भी करना पड़ा। वहीं जदयू की टिकट पर शरद यादव चार बार सांसद रह चुके हैं। 2004 के उपचुनाव और 2014 के चुनाव में पप्पू यादव ने यहां से जीत दर्ज की। 2019 में जदयू से दिनेश चंद्र यादव चुने गए थे। उन्होंने आरजेडी के टिकट पर लड़ रहे शरद यादव को मात दी थी, लेकिन बदलते समीकरण की बात करें तो फिलहाल मधेपुरा सीट पर जदयू का कब्जा है। लेकिन अब जब आरजेडी, जदयू और कांग्रेस एक साथ है तो पप्पू यादव को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। भले ही वो अलग पार्टी बनाकर चुनाव में उतरते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को लेकर उनका हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रहा है और बताया जा रहा है कि हो सकता है कि वो मधेपुरा सीट को कांग्रेस के खाते से अपने लिए मांग ले और बाकी सीटों पर उन्हें समर्थन देने की बात हो। दावा इसलिए भी मजबूत दिख रहा है क्योंकि पप्पू यादव मधेपुरा से सांसद रहे हैं और इलाके में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। इस सीट से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, शरद यादव और पप्पू यादव जैसे दिग्गज नेता जीत कर लोकसभा पहुंच चुके हैं, लेकिन इस सीट पर कभी भी बीजेपी का कमल नहीं खिल सका। जब बीजेपी जदयू के साथ नहीं है तब सवाल उठता है कि महागठबंधन के किस उम्मीदवार को बीजेपी किसके बलबूते टक्कर देगी। लेकिन इस सीट पर रामचंद्र प्रसाद यादव के रूप में पार्टी को एक दमदार उम्मीदवार मिल गया है जो इस सीट के लिए सभी योग्यता को पूरी करता है। यादव समाज से आने वाले रामचंद्र यादव बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के भाई हैं, जो आए दिन अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। इस तरह मधेपुरा में बीजेपी के रामचंद्र यादव महागठबंधन को अच्छी टक्कर दे सकते हैं। उन्होंने कहा भी है कि अगर पार्टी ने मौका दिया तो मधेपुरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। मंडलवादी राजनीति की प्रयोग भूमि मधेपुरा में जातीय गणित पर नजर डाले तो यादव करीब 3.5 लाख, मुस्लिम करीब 2 लाख, ब्राह्मण करीब 2 लाख, राजपूत करीब 1 लाख, मुसहर करीब 1 लाख, दलित करीब 1 लाख, कायस्थ करीब 10,000, कुर्मी करीब 65,000, कोयरी करीब 60,000 और धानु करीब 60,000 की संख्या में हैं। हालांकि यादव बहुल इलाका होने की वजह से केवल यादव उम्मीदवार को ही राजनीतिक पार्टियां तरजीह देती है। इससे जाहिर है कि किसी उम्मीदवार की जीत में यादव के अलावा दूसरी जातियों का वोट भी अहम रहा है। दुर्भाग्य से इस सीट से जीत के समीकरण पर दूसरी जातियों का जिक्र नहीं होता है। वर्तमान में मधेपुरा निर्वाचन क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें आलमनगर, बिहारीगंज, मधेपुरा, सोनबरसा, सहरसा, महिषी शामिल है,
दोस्तों विशेष के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में कोई और जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए समाचारपुर पीपल लिंक्स का हौसला बढ़ाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसे ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप में कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।